गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th केसरी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और सारे क्वेश्चन एक ही थ्योरी से बनाए जाते हैं। आप अगर एक क्वेश्चन को अच्छा समझ आते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आज के वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसरी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के सिद्धांत को बता दूं, गणितीय आगमन का सिद्धांत, आगमन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, किसी दिए गए गणितीय सूत्र या समीकरण के सत्यता की जांच की जाती है। यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके सहायता से किसी दिए गए समीकरण सूत्र या किसी सिद्धांत के सत्यता की जांच की जाती है। यानी कहा जाएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके सहायता से किसी दिए गए समीकरण या सूत्र के सत्यता की जांच की जाती है। जांच की जाती है, हम जांच करेंगे कि कोई भी सूत्र या समीकरण जो दिया गया है वह सत्य है या नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन वैसे ही बनाए जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लें। इसके लिए हम निम्न नियम अपनाते हैं, लिखेंगे हम निम्न नियम अपनाते हैं। पहला, सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं यदि LHS बराबर RHS तो मान लेंगे कि सूत्र n बराबर m के लिए भी सत्य है, m के लिए भी सत्य है। यदि n बराबर m के लिए सत्य हो जाता है तो हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। बस यही काम करना है, n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य हो जाएगा। ऐसा होने पर क्या होगा, वह सभी प्रकट मानों के लिए सत्य हो जाता है, यही काम करना होता है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, वही प्रोसेस सब में लागू किया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं।
जो है 1+2+3 डॉटेड एन एन इन टू एन प्लस वन बाई टू, इसके सत्यता की जांच आपको करनी है कि हम कहाँ तक समीकरण सत्य है। ठीक है, तो देखिए जैसे एक बनेगा वैसे ही टोटल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यह 1+2+3 टू एन बराबर एन इन टू एन प्लस वन बटा टू। ठीक है, तो लिखेंगे जब एन बराबर वन, इसलिए एन का सम वन रखिएगा। वन का मतलब क्या है, इसमें से एक उपद, एक उपद क्या है, एक ही ना है। और आर एच एस का हो गया, एन का सम वन रखिए, वन वन प्लस वन, वन इंटू वन प्लस वन बाई टू, कितना आएगा 2/2। यहाँ क्या आ गया आपका एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, मतलब क्या एन बराबर वन के लिए समीकरण सत्य है, चूंकि समीकरण एन बराबर वन के लिए सत्य। टोटल क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगा। ठीक है, इसलिए पूरा भाषा याद कर जाइए। चलिए सत्य है, अतः मान लिया कि यह एन बराबर एन के लिए भी सत्य होगा। इस जहाँ एन था वहाँ एम कर देंगे, 1+2+3+ डॉट डॉट क्या हो जाएगा एम बराबर एम इंटू एम प्लस वन भाई क्या हो गया टू। अब क्या सिद्ध करना है, एम बराबर एम प्लस वन, तो यहाँ लिखा जाएगा अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह एम बराबर एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अर्थात 1+2+3+ डॉट 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 एम के स्थान क्या हो जाएगा एम प्लस वन हो जाएगा। तो जहां एम था वहां एम प्लस वन रखेंगे, तो यहां एम है एम प्लस वन, यहां पर भी एम प्लस वन हो जाएगा। तो क्या होगा एम प्लस वन पहले से वन है बाई टू, यानी आपका आना चाहिए एम प्लस वन एम टू एम प्लस टू बटा टू, यानी बस यानी एम प्लस वन तक इतना आ गया। अब यही एल एच एस को आपको हल करना होगा और आर एच एस मंगाना होगा, इसको हल करके ए मंगा देना होगा। यही तीसरे स्टेप में आपको यही करना होता है कि इसे हल करें ए मंगाए, और इसको क्या किया जाता है, ये जो आया है एम तक इसे समीकरण दो माना जाता है, इसे समीकरण क्या करेंगे दो मान लेंगे। ठीक है, अब एल एच एस हल करेंगे, यही काम होता है लास्ट में कि इसके एल एच एस को हल कर देंगे। अब एल एच एस क्या दिया, 1+2+3+ डॉट 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 कहाँ तक गया है एम प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम प्लस वन है तो यानी एक ही को बढ़ रहा है, इधर आके देखिए घटेगा, यहाँ एम प्लस वन है तो पहले क्या होगा एम हो जाएगा। तो एक से लेकर एम तक का मान समीकरण एक में क्या दिया, एम इंटू एम प्लस वन बाई टू दिया है, तो इसका मान हो जाएगा एम इंटू एम प्लस वन बटा टू, और प्लस क्या है एम प्लस वन है। तो अब देखिए इसका मान मैंने रख दिया इतना, और एम प्लस वन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो एम प्लस वन जब आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एम प्लस वन एम बाई टू बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वन बचेगा, एम प्लस वन निकल गया तो एम बाई टू ना बचा, यहाँ निकल गया तो वन बचा, तो क्या हो गया एम प्लस वन दो लघुतम होगा तो क्या हो गया एम प्लस टू आप बटा क्या हो गया टू। यही ना आर एच एस में है जो कि हमको सिद्ध करना, देखिए एम प्लस वन एम प्लस टू बाई टू जो कि आर एच एस में आ गया। तो यहाँ अब लिखा जाएगा यह कथन एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह एन के प्रत्येक प्रकृत मानो के लिए सत्य होगा। इसलिए 1+2 क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको लिख दिया था। ठीक है, एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्रूफ, यही करना है आपको, बस सब में यही काम करना है। ठीक है, तो देखिए
यह क्वेश्चन नंबर दो ऐसे ही दिया है, तीन स्क्वायर दिया है तो ऐसे ही बनेगा तीन भी। चलिए हम स्क्वायर दिया तीन बना देते हैं, ठीक है। दो आप बनाइए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। दो तो और आसान है, तीन दिया है वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो गया, एन स्क्वायर बराबर एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन भाई क्या हो गया सिक्स। यहाँ लिखेंगे जब एन बराबर वन, इसलिए एल एच एस एक होगा, यहाँ एन का समझाइए, इसमें से एक पद ले लीजिए तो क्या आएगा वन आएगा, और आर एच एस एन के स्थान पर क्या करना है वन रखना है, तो वन इंटू वन प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन बाई क्या हो गया सिक्स। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, और टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, छः से छः कटेगा तो क्या बचा वन। यहाँ क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। यह कथन क्या हो गया, एन बराबर वन के लिए सत्य है। यह समीकरण लिख दीजिए एन बराबर वन के लिए सत्य है, अतः मान लिया है, इसलिए मान लिया लिखिए, इसलिए मान लिया कि यह एन बराबर एन के लिए भी सत्य होगा, इसलिए वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डॉट डॉट क्या हो गया एम का स्क्वायर बराबर एम, एम प्लस वन, टू एम प्लस वन बाई सिक्स, इसे समीकरण दो मान लिया जाए। अब लिखा जाएगा, अब हमें सिद्ध करना होगा, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह एम बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात जहाँ जहाँ एम है वहाँ एम प्लस वन आप रख दीजिए, यानी वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट क्या हो गया एम प्लस वन का स्क्वायर। तो जहाँ एम है वहाँ एम प्लस वन रखिएगा, आर एच एस में देखिए यहाँ, तो एम प्लस वन, एम प्लस वन प्लस वन एम प्लस टू हो जाएगा, एम प्लस वन इंटू हो जाएगा एम प्लस टू, यहाँ एम प्लस वन रखेंगे तो टू एम प्लस थ्री हो जाएगा, टू एम प्लस थ्री बाई सिक्स। देखिए फिर से एम प्लस वन यहाँ रखिएगा, दो से गुना किए टू एम प्लस टू आएगा, आप प्लस से क्या टू एम प्लस थ्री आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा, एल एच एस से हल करके इतना मंगा देना होगा, या इतना मंगाना होगा, सिद्ध हो जाएगा। यही काम है, यही आपको सब में करना है। देखिए अब एल एच एस बराबर वन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो गया एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक ही को बढ़ रहा है, एन प्लस वन है तो पहले क्या होगा एम, एम होगा, तो वन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या होगा एम स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा एम प्लस वन का। अब एक से लेकर एम तक का मान क्या था समीकरण दो में, अब देखे होंगे एम इंटू एम प्लस वन, टू एम प्लस वन बाई सिक्स था, आप प्लस एम प्लस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन निकल रहा है, देखिए एम प्लस वन कॉमन निकल रहा है, एम प्लस वन कॉमन निकल रहा है तो निकल जाएगा कॉमन, तो बचेगा एम इंटू टू एम प्लस वन, ठीक है, और बटा सिक्स आप प्लस क्या हो गया एगो एम प्लस वन बच गया, बचा ना छः लघुत्तम ले लीजिए, एम प्लस वन या सिक्स लघुत्तम हो जाएगा, तो हो गया टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस छः एम प्लस क्या हो गया छः, तो एम प्लस वन अभी हो गया टू एम स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस सिक्स बटा सिक्स, इसका फैक्टर कर लेंगे, टू एम स्क्वायर प्लस छः दो बटा चार तीन बटा चार एम प्लस तीन एम प्लस छः बटा छः हो गया एम प्लस वन, यहाँ कॉमन निकालेंगे टू एम तो क्या होगा एम प्लस टू हो जाएगा, यहाँ थ्री कॉमन निकालेंगे तो एम प्लस क्या हो गया टू बटा छः आ गया, तो एम प्लस वन ये क्या हो जाएगा टू एम प्लस थ्री आएगा एम प्लस टू होगा, एम प्लस टू इंटू टू एम प्लस क्या आ गया थ्री बटा सिक्स,
गैडिशस आगे ने तो वही भाषा आपको यही लिखना होता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से देखिए लिखे थे कथन इन वन प्लस वन के लिए सत्य है, से वही भाषा लिखना है। नीचे लिखेंगे अतः समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह कथन इन के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होगा। तो जो दिया था फॉर्मूला उसको क्या किया जाएगा, लास्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या था, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर बराबर एन इंटू एन प्लस वन, ये था। तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ, ऐसा ही करना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, ऐसे मैंने आपका तीन बनाया, ठीक चार ऐसे ही बनाना है आपको, चार ऐसे ही बनाना है। पांच नंबर देखिए, चलिए चार भी हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, ठीक है, चार हम लोग बनाते हैं। इसके पहले वाला काफ़ी आसान है, अब देख लेंगे। चार दिया है, वन का क्यू, थ्री का क्यू, फाइव का क्यू, डॉट डॉट टू एन माइनस वन का होल क्यू इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर माइनस वन, इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन अब देख लेंगे, क्वेश्चन है यहाँ चार नंबर, वन क्यू, थ्री क्यू, फाइव क्यू, टू एन माइनस वन का होल क्यू, एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, लिखेंगे जब एन बराबर वन, इसलिए एल जिस वन का मतलब एक पद, एक पद यानी एक का क्यू एक आएगा, और आर जिस क्या होगा, एन का स्थान वन रखेंगे, वन का स्क्वायर टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन, हल करेंगे क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यहाँ जो समीकरण है इन बराबर वन के लिए सत्य है, लिखा जाएगा, भाषा आपको याद कर लेना है, लिखा जाएगा यहाँ समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है। अतः तो मान लिया कि यह इन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा, तो जहाँ इन है वहाँ क्या करेंगे, एम रखेंगे, इसलिए वन क्यू, थ्री क्यू, फाइव क्यू, डॉट 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 टू एम माइनस वन का होल क्यू बराबर एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसी क्वेश्चन वन कह दीजिएगा, और हमें सिद्ध करना होगा, लिखेंगे अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। के लिए भी सत्य होगा, अर्थात क्या है, वन क्यू, थ्री क्यू, फाइव का क्यू, डॉट डॉट कहाँ तक चला गया, एम के स्थान पर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन हो जाएगा, जहाँ यह एन पद तक था लेकिन एन के स्थान पर क्या हो गया, एम प्लस वन पद हो जाएगा, एक पद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टू ए माइनस वन था, ठीक है, और टू ए माइनस वन में एक पद बढ़ेगा, देखिए एक तीन पाँच आया लास्ट में, आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, देखिए
लास्ट में क्या दिया गया है, 2n-1 का होल क्यूब दिया गया। ठीक है, जैसे एक और दो क्या हो गया, तीन, तीन दो पाँच, ऐसे दो दो को पढ़ रहा है, इधर से जाते हैं दो दो को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगला पद जाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, तो क्या होगा, 2m+1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर m प्लस वन भी रखते हैं तभी 2m+1 आएगा। ठीक है, आपने मेरे कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट चाहे तो 2m+1 रख सकते हैं या m के स्थान पर। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा दूँ, देखिए हमको क्या रखना है, यहाँ 2m-1 का ऐसे दिया, 2m-1 का होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ, तो m के स्थान में क्या रखना है, m+1 रखना है। तो यहाँ m+1 रखिएगा, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, m+1 दो से गुना करेंगे तो 2m+ क्या होगा, 2-1 हो जाएगा, दो में से क्या बचेगा, 2m+1 हो जाएगा। तो यही 2m+1 आपको लिखना है, तो हम वही बोले कि दो को बढ़ा देंगे, जैसे 2m-1 है प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 2m+1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2m+1 का क्यूब, ये आपको सिद्ध करना है। बराबर बराबर क्या है, m+1 का होल स्क्वायर कोस में 2, m+1 का होल स्क्वायर -1, इतना आपको मंगाना होगा। ठीक है, पूरा एकदम कन्फर्म हो जाए, जैसे यही है मेरा टर्म, m के स्थान पर कहता है हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, m+1। तो यहाँ m+1 रखते हैं LHS में, तो m+1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2m+2-1 होगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 2m+1 हो जाएगा। तो हमने यहीं पे वहीं लिख दिया 2m+1 का होल क्यूब। अब बराबर में जहाँ m है वहाँ क्या होगा, m+1 यहाँ हो जाएगा, m+1 का स्क्वायर और 2m+1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो वहाँ देखिए वहीं लिखा गया है m+1 का होल स्क्वायर 2m+1 का होल स्क्वायर -1, इसको पूरा गुना कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पूरा हम गुना कर लेंगे तो देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको हम यहीं पर गुना कर देते हैं, तो 2a+b का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 + 2ab होता है, -1 है। थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं ताकि अट जाए, a+b का होल स्क्वायर इसको भी कर दीजिए, a² + b² + 2ab। ठीक है, एक कोस्ट में हो गया 2m² + 2 + 4a-1। ठीक है, तो m² + 1 प्लस क्या हो गया, 2m हो गया, तो 2m² + 4m+1 हो गया। ठीक है, ये 2m² + 4m और दो में से क्या एक बचा, इसको भी हम गुना कर देते हैं, क्या सबको गुना कर देते हैं, अच्छा रहेगा ताकि सिद्ध करने में आराम हो सकता है। इसको गुना करेंगे तो 2m⁴ इसे गुना करेंगे प्लस 4m³, फिर इसे गुना करेंगे प्लस m² 1 से, तो 2m² + 4m+1 हो गया। ठीक है, और प्लस 2m से दोनों 4m³, दोनों 4m³ प्लस 4 दोनों 8, m² + 2m, एगो एक्स्ट्रा प्लस है उससे कोई बात नहीं, एगो प्लस एक्स्ट्रा है क्या, तो 2m³ क्या हो गया 4, 4m³ और यहाँ 4m³ क्या हो गया 8m³, m² देखिए 8 + 10 = m² आई प्लस 6m आ प्लस क्या हो गया 1, इतना है। यानी यही आपको RHS में मंगाना होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इतना न मंगाकर इतना मंगाना होगा, इसको मैंने हल कर दिया। ठीक है, तो अब आपको इतना सिद्ध करना है यहाँ LHS, अब हम क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे और इतना मंगाएंगे। LHS क्या दिया है, 1q 3q 5q ….2m+1 का क्या हो गया, क्यू दिया है, इसी को हल करना है और इतना आपको क्या करना है, मंगा देना है, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए, 1q 3q 5q, देखिए ये दो दो को बढ़ रहा है, इधर आएंगे दो दो घटेगा, तो 2m+1 का होल क्यू है, इसमें दो घटाएंगे -2 करेंगे तो क्या होगा, 2m-1 हो जाएगा, तो 2m-1 का होल क्यू आप प्लस हो जाएगा 2m+1 का होल क्यू। ठीक है, यानी यह लास्ट में 2m+1 का होल क्यू, इसके पहले वाला पद क्या होगा, 2m-1 का होल क्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है m², देखिए 2m-1 का होल क्यू तक का मान यहाँ दिया हुआ है, जो समीकरण आपने एक माना था होल क्यू, इसका m² 2m²-1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ रखेंगे उस मान को, क्या करेंगे, रख देंगे m² 2m²-1। ठीक है, आप प्लस 2m+1 का क्या हो गया, होल क्यू हो गया। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो आपका ये टर्म आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 2m⁴ - क्या हो गया m²,
ए प्लस बी का क्या हो गया, होल क्यू। तो ए क्यू तो 8 एम क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, वन क्यू वन ए होता है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो दो चार चार 3 12 हो जाएगा, 12 एम स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, चार में 3 से गुणा करना चाहिए, 12 एम स्क्वायर 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में 6 हो जाएगा, तो 6m ये हो जाएगा आपका 6m। तो आगे चले तो 2m के पावर क्या हो गया आपका 4 आ गया, प्लस q वाले को देखिए 8m क्यू है, 8m क्यू मैंने लिख दिया, m स्क्वायर को देखिए तो 12 m स्क्वायर है, एक उखड़ जाएगा, तो क्या हो गया 11 m स्क्वायर, फिर m को देखिए 6m है, और एक का क्यू क्या हो गया प्लस एक, तो किसके बराबर, RHS के बराबर है, यह जो आया है RHS के बराबर, सेम इतना ही RHS में था, देखिए RHS ही था ना, हमने हल किया था, तो बराबर हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर भी देख लिए इक्वल टू कर देंगे RHS यानी LHS RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ जो समीकरण है n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है भाषा याद कर लेंगे हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह n के प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। तो वही जो क्वेश्चन दिया उसके लिखा जाता है 1q 3q और फिर आ गया 5q डॉट 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 2n माइनस 1 का होल क्यू इक्वल टू n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, यही प्रूफ लिख दिया जाएगा, यही सत्यता की जांच आपको करनी है, ठीक है। इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, यानी एन पद तक याद रखेंगे, एन पद तक ए वन में सार के बराबर बेटा वन में सार, इसको एन पद ही लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे दिया गया है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक इक्वल टू ए वन माइनस आर के पावर एन बटा वन माइनस आर आपको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पर लिखेंगे जब एन बराबर वन, तो LHS निकालिएगा, वन माने एक पद यानी क्या एक हो, ए हो गया ना, ए हो गया, और आर एच एस एन के स्थान पर वन रखिए, जहाँ एन है वन रखेंगे, तो ए वन माइनस वन यहाँ रखेंगे आर के पावर वन बटा वन माइनस आर, देखिए वन माइनस आर से वन माइनस आर कटेगा तो क्या बचेगा ए बचेगा, एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया, यहाँ एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस, यानी यह समीकरण एन बराबर वन के लिए सत्य है, यह समीकरण कहिए चाहे सूत्र कहिए एन बराबर वन के लिए सत्य है, अतः मान लिया कि यह एन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा, एम के लिए सत्य होगा, इसलिए जहाँ एन था वह एम रखेंगे, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, एन पद तो क्या हो जाएगा एम पद हो जाएगा, एम पद तक तो क्या होगा ए वन माइनस आर के पावर एम बटा वन माइनस आर हो गया, समीकरण एक मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, अब सिद्ध करना होगा यहाँ एम के स्थान पर एम प्लस वन के लिए सत्य होगा, लिखा जाएगा अब हमें एक क्वेश्चन के भाषा को याद कर दीजिए, सेम वही भाषा सब में लिख दीजिए, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण एम बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, ये आपको सिद्ध करना है, इन बार एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात
जहाँ इन है वहाँ क्या हो जाएगा, एन प्लस वन होगा, यानी आपको मंगाना होगा अर्थात ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 चला जाएगा एन प्लस वन तक बराबर ए वन माइनस आर के पावर एन प्लस वन बटा वन माइनस आर, आपको ये मंगाना होगा, ठीक है। यानी एल एच एस आपको हल करना है और इतना मंगा देना है, इतना आपको वो ए वन माइनस आर के पावर एन प्लस वन बटा वन माइनस आर मंगाना है। तो यहाँ एल एच एस को हल करेंगे और आर एच एस मंगाएंगे, यहाँ एल एच एस क्या है ए प्लस ई आर प्लस ई आर एस पर कहाँ तक किया है, ये आपका चला गया एम प्लस वन तक, एम प्लस वन तक गया। अच्छा ये एम प्लस वन तक गया है, अब देखिए तो इसके पहले क्या होगा, एम होगा, एम होगा, ठीक है। तो एक से ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक का मान समीकरण एक में निकला हुआ है, देखिए एक से लेकर एम तक यह जो है ना समीकरण एम तक ए वन में सार के बराबर बटा वन में सार निकला है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे, सब में ऐसे ही कीजिएगा, तो क्या होगा ए वन में सार के पावर एम बटा वन में सार, इस मान को रखेंगे, यहाँ क्या है एम प्लस वन, तो एम प्लस वन जो होगा यह पद नंबर है, एम प्लस वनवा पद यहाँ होना चाहिए, ठीक है। हम एम पद तक, ठीक है, और एम प्लस वनवा पद हम क्या किया यहाँ टर्म रखना है, टर्म रखना है। देखिए एक बात यहाँ याद रखना है, वा पद यहाँ वा पद कर सकते हैं, वा पद, ठीक है। हम एक से ए से लेकर एम तक को जोड़ दिए, आई एम प्लस वन पद यहाँ रखना होगा, ठीक है ना, कि एम प्लस वन जैसे यहाँ अगर हम जोड़ दिए यानी एक से लेकर दस तक जोड़ दिए, ग्यारह यहाँ नहीं ना होगा, ग्यारह हुआ पद यहाँ रखना होगा, तो एम प्लस वनवा पद देखिए, तो यहाँ हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ए वन में सार के पावर एम बटा वन में सार, ठीक है। तो एम प्लस वनवा पद क्या होगा, ए आर के पावर, देखिए पहला पद है तो आर नहीं है, दूसरा में क्या है एगो, तीसरा में दो गो, एम प्लस वनवा में क्या होगा एम गो पद होगा, ठीक है, तो आर के पावर एम होगा। अब दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए ऐसे कीजिए एलसीएम ले लीजिए, वन में सार के लघुतम होगा तो बचेगा ए, ए से गुना कर ए माइनस ए आर के पावर एम, इसको गुना कीजिएगा वन में, तो ए आर के पावर एम आर में गुना करेंगे ए आर के पावर एम प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह इससे क्या होगा, कटेगा, कटेगा तो क्या बचेगा ए माइनस ए आर के पावर एम प्लस वन बटा वन में सर, देखिए यहाँ ही सोचना है, इससे वन में गुना किए तो ए आर के पावर एम हो गया, आर में गुना करेंगे तो इसका पावर वन है या इसका पावर एम है तो क्या होता है पावर में पावर जुट जाता है, तो एम प्लस वन हो गया, इसमें से ए कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा ए वन माइनस आर के पावर एम प्लस वन बटा वन माइनस आर, ये किसके बराबर है इक्वल टू आर एच एस के बराबर है। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, यहाँ लिखा जाएगा यहाँ समीकरण एम बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, भाषा से लिखे सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके प्रतीक प्रतीक प्राकृत मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो था वो लिख देंगे ए प्लस ई आर प्लस ए स्क्वायर, केवल सत्यता की जांच करना है, टू एन इक्वल टू ए वन में एस आर के पॉइंट बटा वन में एस आर, प्रूफ हो गया, सिंपल सिंपल। देखिए छवानवा क्वेश्चन बना, सारा क्वेश्चन वैसे ही बनाना है, वन के लिए सिद्ध कीजिए फिर एम प्लस वन के लिए सिद्ध, सारे क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा तो वैसे ही बनेगा, किसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए छ भी हम बना देते हैं, एक ही जैसा है क्वेश्चन नंबर छ, देखिए छ नंबर दिया है, दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है वन बाई टू प्लस वन बाई फोर वन बाई एट प्लस डॉट डॉट वन बाई टू के पावर एन, मैंने इन वापस तक दिया है, जैसे बढ़ते गया इन तक, एक से लेकर के क्या हुआ इन तक गया है, इक्वल टू वन माइनस वन वन बाई टू के पावर एन, इतना आपको क्या करना है सीट करना है।
ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब इन बराबर वन, इसलिए एल एच एस मैंने एक ऊपर क्या है, एक बटा दो है, और एल एच एस क्या हो जाएगा, एक माइनस एक बटा दो। देखिए एक माइनस एक बटा दो के पावर क्या होगा, वन, तो एक में से एक बटा दो घटाएंगे तो एक बटा दो नहीं आएगा, इन एल एच एस वाला क्या हो जाएगा, आर एच एस। अतः एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस। यानी यहाँ जो समीकरण है इन बराबर वन के लिए भी सत्य है, लिखा जाएगा यहाँ समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा। भाषा याद है तो कहीं दिक्कत नहीं, खाली भाषा लिखना है, सब में एक ही जैसा भाषा लिखना है, इसलिए जहाँ इन है वहाँ एम रख दीजिए, कहीं सॉल्यूशन इसमें कुछ है ही नहीं, केवल भाषा याद कर जाइए। जहाँ इन 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 था वहाँ एम कर दिए, टू के पर एम कर दिए, वन माइनस वन बाई टू, टू के पर क्या हो गया एम, इसे समीकरण एक मान लेना है। और देखिए लास्ट वो टर्म, यही टर्म में थोड़ा सीज करना होता है, तो लास्ट में उतारियों दिया जाता है, जैसे कि जैसे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा जाएगा, अब जैसे देखिए अब हमें सिद्ध करना होगा, भाषा याद कर दे होगा कि यह n बराबर m प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात आपको क्या मंगाना है, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, डॉट डॉट डॉट, वन बाई टू के पावर एम प्लस वन, ठीक है। जहाँ एम था एम प्लस वन हो गया, इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू के पावर एम प्लस वन, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। अब आप एल एच एस को हल करेंगे और ये मंगा देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो अब देखिए अब एल एच एस को मंगाते हैं, कहीं सवाल भारी नहीं है, आपको केवल देखना है और सवाल को शांतिपूर्वक, दिमाग को शांत रखते हुए क्वेश्चन को हल करने के प्रयास करेंगे, सवाल आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एल एच एस हल करेंगे, यहाँ एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे, तो एल एच एस क्या दिया हुआ आपका, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, ऐसे बढ़ते गया, लास्ट में दिया गया है वन बाई टू के पावर एम प्लस वन, ठीक है, टू के पावर एम प्लस वन दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, ये टू के पावर एम प्लस वन, इसके पहले टू के पावर एम होगा, इसके पहले हम वाला पद लेंगे, तो क्या हो, यहाँ देखिए दो के पावर एक है, यहाँ दो के पावर दो, यहाँ दो के पावर तीन होगा, एक ही को पावर बढ़ रहा है, तो दो के पावर एम प्लस वन जब है तो इसके पहले दो के पावर एम होगा, तो वन बाई टू के पावर क्या हो जाएगा, एम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टू के एम का मान दिया हुआ है, इसमें मान क्या है दिया हुआ, पुट किया हुआ ऑलरेडी, तो इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक से लिखेंगे। देखिए यह टू के पावर एम का इस सब का मान दिया हुआ कितना, वन माइनस वन बाई टू के पावर एम दिया हुआ, तो हम इसको रख देंगे, इसका मान रखेंगे वन माइनस वन बाई टू के पावर एम आप प्लस वन बाई टू के पावर एम प्लस वन, जैसे इसको क्या करेंगे आप लिखेंगे। लिखने के बाद और इसको हल करना है, सवाल को हल करते समय एक बात याद रखेंगे कि सारे नियमों को अपने दिमाग में रखेंगे और उस नियम के अनुसार क्वेश्चन को क्या कीजिए हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब कहीं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा देंगे, यानी घबर हबर जैसे मर्जी वैसे आपने लिख डाला तो गड़बड़ हो जाएगा, और जैसे मर्जी वैसे लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे फंसेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने इसका मान यहाँ से लेके यहाँ तक का मान मैंने इतना रख दिया, यह जो अंक थे मैंने छापा, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, वन माइनस टू के पावर एम है, इसको एम प्लस वन दिया है, तो लिख सकते हैं टू के पावर एम गुना दो लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है जोड़ता है गुना में, और यह टू के पावर एम यहाँ पर टू के पावर एम, तो इसको कॉमन के रूप में हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस, ठीक है, ये निकल गया कॉमन के रूप में बाहर आ जाए, चाहे टू भी आप कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है, टू भी आप निकाल सकते हैं,
लेकिन जिसकी ज़रूरत हम क्या करेंगे वही कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जब हम निकालेंगे वन बाई टू के पावर एम, इसमें से देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ से वन बाई टू के पावर सब निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा। ध्यान से देखिएगा, वन बाई टू के पावर एम इंटू टू है, यहाँ वन बाई टू के, तो वन बाई टू के पावर हमने बाहर निकाला, तो यहाँ सब हट जाएगा तो क्या बचेगा वन, यहाँ से हट गया तो क्या बचा, वन बाई टू ही नहीं बचेगा, लेकिन हमारे से जाएगा तो वन बाई टू हो गया। यही गौर करना है, वन बाई टू के पावर एम, अब एक में से एक बटा टू घटेगा तो क्या बचेगा, एक बटा दो बचेगा, इसका पावर वन है, इसका पावर एम है, तो एम प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो गया वन माइनस वन बाई टू के पावर क्या हो गया, एम प्लस वन हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था जो कि आर एस एस में दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं लिखा जाएगा यहाँ समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी क्या हो गया, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं है कि यह इन के प्रतीक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। हो गया, तो जो सवाल था वहीं लिख देंगे, वन बाई टू था, वन बाई फोर था, वन बाई एट था, डॉट डॉट वन बाई टू के पावर एम इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू के पावर या एम था एन, यही सिद्ध करना से जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक ऐसे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, सारे क्वेश्चन एक डिजाइन से बनाए जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, सब कुछ वैसे ही आप बनाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कहाँ तक आपका बन रहा है। ठीक है, इसमें दो गुना वाला कोई है तो हम उसको बनाते हैं, जैसे ये इसमें गुना के रूप में दिया हुआ आठ नंबर में, और जैसे गुना के रूप में है आगे भी गुना के रूप में बढ़ रहा है, चलिए हम आठ नंबर बनाते हैं। जो सवाल नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, सर ये नहीं बन रहा है, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। आठ दिया गया है, वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, और थ्री इंटू टू के पावर थ्री बढ़ते गया, एन इंटू टू के पावर एन बराबर आपको सिद्ध करना है, इज इक्वल टू मंगाना है एन माइनस वन टू के पावर एन प्लस वन प्लस टू, ये मंगाना है आपको। ठीक है, सिंपल एक तरह मंगाना है, लिखा जाएगा प्रोसेस सब में वही है, जब एन बराबर क्या करेंगे वन, इसलिए एल एस याद कर दिए, प्रोसेस कर दिए, तो वन इंटू टू कितना आएगा टू, और आर एस एस मंगा लीजिए, यहाँ इनके समय रखेंगे तो वन माइनस वन इंटू टू के पावर वन प्लस टू, तो वन माइनस वन कटेगा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल टू ही ना बचेगा, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, आर एच एस, यहाँ एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो यह समीकरण जो है इन वन के लिए सत्य है, यह समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है। अतः मान लिया, इसलिए मान लिया, लिखिए इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, मान लिया, तो जहाँ इन है वहाँ एम रख देंगे, इसलिए वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, थ्री इंटू टू के पावर थ्री, डॉट 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 कहाँ तक गया, एम इंटू टू के पावर एम बराबर ए माइनस वन टू के पावर एम प्लस वन प्लस क्या हो गया टू, ये समीकरण एक मान लीजिएगा। अब क्या लिखेंगे, एम प्लस वन के लिए सिद्ध करना होगा, लिखा जाएगा अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर n प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात
वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, थ्री इंटू टू के पावर थ्री, डॉट डॉट डॉट। एम के स्थान पर आपको क्या रखना है, एम प्लस वन रखना है, टू के पावर एम प्लस वन बराबर, जहाँ एम है वहाँ एम प्लस वन रख दीजिए। तो एम प्लस वन रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, अब माइनस वन यहाँ है तो माइनस वन हो गया, पावर क्या हो गया, टू के पावर एम प्लस वन, अब प्लस वन, अब प्लस क्या हो गया, टू हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, एम प्लस वन, अब प्लस वन, अब प्लस टू हो गया। देखिए यहाँ अभी वन से वन कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा है, एम इंटू टू के पावर एम प्लस टू, अब प्लस टू, आपको इतना मंगाना होगा एल एच एस में। तो अब एल एच एस को हल कीजिए और इतना मंगाइए, तो लिखा जाएगा अब एल एच एस बराबर क्या है, एल एच एस वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, ऐसे बढ़ते गया तो यहाँ लास्ट में टर्म दिया है एम प्लस वन, टू के पावर एम प्लस वन, तो यहाँ एम प्लस वन है, इसके पहले वाले पद लिखते हैं तो एम इंटू टू के पावर एम हो जाता है, हो जाता है, यहाँ वन है तो इसके पहले वो कम हो जाएगा, जैसे दो दो है यहाँ, दो है तो क्या हो गया, इसके पहले कम आ जाएगा, यहाँ यहाँ पावर दो है तो क्या आ गया, पावर एक आ गया, कम हो गया है ना, ये दो है तो एक हो गया, तो एम प्लस वन है, एम प्लस वन है तो एम हो जाएगा, यहाँ पर भी एम हो जाएगा। तो एक लाइन हम इसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, टू थ्री इंटू टू के पावर थ्री, बढ़ते गया तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एम इंटू टू के पावर एम हो जाएगा, फिर आएगा एम प्लस वन इंटू टू के पावर एम प्लस वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान समीकरण एक पे निकाला गया है, इसका मान निकाला हुआ समीकरण एक में, तो इस मानों को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, ए माइनस वन, टू के पावर एम प्लस वन प्लस टू है, तो इस मान को रख देंगे, तो इसका मान था, उस मान को रखिए, मान दिया हुआ कितना है, ए माइनस वन इंटू टू के पावर, टू के पावर हो गया एम प्लस वन प्लस टू हो गया, इस हो गया, अब प्लस एम प्लस वन इंटू टू के पावर एम प्लस वन, ठीक है। अब देखिए इसमें से टू के पावर एम प्लस वन आप कॉमन ले सकते हैं, एम प्लस वन कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा ए माइनस वन और यहाँ बचेगा एम प्लस वन, एड दीजिए इंटू टू के पावर एम प्लस वन, मैंने कॉमन लिया, प्लस टू अपने स्थान पे है, ठीक है, वन को वन से हमने कैंसिल किया तो एम और एम का क्या हो गया, टू एम हो गया, टू एम हो गया इंटू टू के पावर एम प्लस वन, अब प्लस क्या हो गया, टू, ठीक है। अब यह दो के पावर एक है, ठीक है, दो को दो में गुना कर दीजिए तो एम छोड़ दीजिए, दो के पावर एम प्लस वन या प्लस वन, तो क्या हो गया, एम प्लस टू हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा टू। आर जी एस में यही सिद्ध करना था, आर जी एस में यही आ गया, तो यह क्या हो गया, एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया, ठीक है। लिखा जाएगा यहाँ समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। इसलिए क्वेश्चन था उसको लिखिए, वन इंटू टू, टू इंटू टू के पावर टू, थ्री इंटू टू के पावर थ्री, बढ़ते क्या इक्वल टू एन इंटू टू के पावर एन बराबर हो गया है एन माइनस वन, टू के पावर एन प्लस वन प्लस टू, यही आपका सिद्धांत प्रूव हो गया, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें हमको अब नहीं लगता है कि कोई सवाल फंसने वाला है, सारे सवाल आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन बने, और जहाँ फंसेगा आप कमेंट करेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उस क्वेश्चन को पुनः क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो आपका ये होमवर्क रहा कि आप इसको कीजिए और कल कमेंट भी आप करेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, उस क्वेश्चन को मैं पुनः बता दूंगा। चलिए हम लोग 15 देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15। वन बटा वन इंटू फोर है प्लस वन बटा फोर इंटू सेवन प्लस वन बटा सेवन इंटू टेन एस एस वन वन बाई दिया गया है थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री एन प्लस वन इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है एन बटा थ्री एन प्लस वन सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए जब भी सवाल बनाइएगा क्वेश्चन पहले सेम लिख दीजिएगा, यही आपको सिद्ध करना है। लिखेंगे जब n बराबर वन, इसलिए एल एच एस का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद वन इंटू फोर वन बाई फोर होगा और आर एच एस का मान क्या होगा, देखिए यहाँ रखेंगे वन बटा थ्री इंटू वन प्लस वन, वन बाई थ्री इंटू वन प्लस वन कितना होगा वन बाई ए भी फोर हो जाएगा, यानी यहाँ एल एच एस क्या हो गया आर एच एस के बराबर हो गया। अतः इन बराबर होता है एन बराबर वन के लिए समीकरण सत्य होता है, इसलिए मान लिया कि यह एन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, भाषा आपको याद करना है। ठीक है, तो जहाँ समीकरण में n था वहाँ हम क्या करेंगे m रखेंगे, समीकरण आपका यही है, क्वेश्चन n के स्थान सिर्फ m डाल देना है। ठीक है, तो क्या होगा वन बट्टा वन इंटू फोर प्लस वन बट्टा फोर इंटू सेवन प्लस बढ़ते जाएगा वन बट्टा थ्री एम माइनस टू इंटू थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू एम बट्टा थ्री एम प्लस वन, इक्वेशन क्या हो गया वन हो गया। अब लिखा जाएगा, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात जहाँ इन एम था वहाँ एम प्लस वन कर देंगे। तो देखिए वन बटा वन इंटू फोर है प्लस वन बटा फोर इंटू सेवन बढ़ते गया, यह वन बटा हो जाएगा, एम के स्थान पर एम प्लस वन रखेंगे और एम प्लस वन में तीन से गुना करेंगे तो क्या होगा थ्री एम प्लस वन हो जाएगा। यहाँ यहाँ थ्री एम प्लस वन, इसे भी आप मिला सकते हैं, एक है एक के बाद क्या चार तीन को बढ़ गया, चार के बाद सात तीन को बढ़ा, इसे प्लस तीन करेंगे तो क्या होगा थ्री एम प्लस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस तीन थ्री एम प्लस फोर हो जाएगा, थ्री एम प्लस फोर हो गया इज इक्वल टू एम प्लस वन बटा थ्री एम प्लस क्या हो गया फोर, इतना आपको सिद्ध करना है। यहाँ एम प्लस वन करेंगे तो थ्री एम प्लस थ्री एक फोर हो जाएगा, यही आपको सिद्ध करना है। अब इस एल एच एस को हल करके आप इतना मंगाएंगे, आर एच एस इतना आपको मंगाना होगा। ठीक है, तो एल एच एस को हम हल करेंगे, यहाँ एल एच एस बराबर वन बटा वन इंटू फोर जो वन बटा फोर इंटू सेवन बढ़ते गया, लास्ट वाला टर्म आपका है, देखिए ये वाला टर्म लिखेंगे थ्री एम प्लस वन इंटू थ्री एम प्लस क्या हो गया फोर, इसके पहले वाला ठीक टर्म लिखिएगा तो क्या होगा वन बटा, इसमें से हमें क्या करना है थ्री घटा लेना है, इसमें थ्री घटा लेना था, क्या थ्री घटाएंगे तीन को कम तो थ्री एम माइनस वन हो जाएगा या थ्री एम प्लस वन होगा, थ्री एम प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का समीकरण एक में मान निकला हुआ है, समीकरण एक ही है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान क्या है एम बटा थ्री एम प्लस वन, यहाँ टू है
तो इसका मान हम रखेंगे एम बटा थ्री एम प्लस वन एफ प्लस, ये बचा क्या है वन बटा थ्री एम प्लस वन इंटू हो गया थ्री एम प्लस फोर हो गया, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, कॉमन वन बटा थ्री एम प्लस वन हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा एम बटा वन प्लस वन बटा थ्री एम प्लस फोर कॉमन हो गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, इसका हम एलसीएम लेंगे तो वन बटा क्या है थ्री एम प्लस वन है इज इक्वल टू है वन बटा थ्री एम प्लस वन। एलसीएम आपका होगा एम इंटू एम नहीं थ्री एम प्लस फोर है, एलसीएम आ गया थ्री एम प्लस फोर में एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस हो गया वन, ठीक है। इसका फैक्टर कर लेंगे, ऊपर वाले क्या कीजिए फैक्टर कीजिए तो वन बटा हो गया थ्री एम प्लस वन, ठीक है। तो हो गया थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन बटा थ्री एम प्लस फोर, ठीक है। तो वन बटा थ्री एम प्लस वन, यहाँ से थ्री एम कॉमन निकालते एम प्लस का हो गया वन, एम प्लस वन बटा थ्री एम प्लस फोर हो गया, तो हो गया वन बटा थ्री एम प्लस वन इंटू यहाँ थ्री एम प्लस वन और एम प्लस वन क्या होगा कॉमन हो जाएगा थ्री एम प्लस क्या हो गया फोर आ गया, थ्री एम प्लस वन से थ्री एम प्लस वन कट जाएगा तो कितना आ गया आपका एम प्लस वन बटा थ्री एम प्लस फोर। यही आपको सिद्ध करना था आरएचएस में, तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ भाषा लिखा जाएगा, यहाँ एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी समीकरण सत्य है, सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह समीकरण n के सभी प्रकृत मानों के लिए सत्य है। इसलिए जो क्वेश्चन था उसको क्या करेंगे यहाँ आप लिखेंगे वन बटा वन इंटू फोर जीरो वन बटा फोर इंटू सेवन वन बटा सेवन इंटू टेन डॉट डॉट वन वन बटा थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री एन प्लस वन इज इक्वल टू एन बटा थ्री एन प्लस वन प्रूव हो गया। क्वेश्चन था उसको लास्ट में क्या करते हैं लिख देते हैं, सिंपल है, कोई भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। जब तक ध्यान नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा, ध्यान देंगे अच्छे से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन जैसे 15 है वैसे ही 16-17 दिख रहे हैं ना, इसी प्रकार का है। तो आपको इससे क्या करना है वही सेम कॉमन लेना होगा, कॉमन लेकर क्या करना होगा हल करना होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 19 नंबर, थोड़ा सा ही अलग टाइप का दिख रहा है, ठीक है। हम 19 बना देते हैं, उन्नीस दिया हुआ है वन प्लस वन बटा वन प्लस टू वन बटा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस दिया है वन बटा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 क्या हो गया एन बराबर टू एन बटा एन प्लस वन, ठीक है। इतना सिद्ध करना है, वही लिखेंगे जब एन बराबर वन, ठीक है। जब वन रखिएगा तो एलएचएस माने एक पद, तो एलएचएस का मान क्या होगा एक पद में एक को दिया ही है एक होगा, ठीक है। और आरएचएस क्या होगा
देखिए ना, जैसे 2 × 1 / 1 + 1, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1, यानी एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाता है। लिखिएगा यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः समीकरण नंबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर इन के लिए भी सत्य होगा। यहाँ इन था, वहाँ इन कर देंगे, इसलिए 1 + 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3 बढ़ते गया, 1/1 देख लीजिए, 1 + 2 + 3 डॉट 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 क्या हो गया, एम बराबर 2m/m+1, इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब लिखा जाएगा, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह n = m+1 के लिए भी सत्य है, अर्थात जहाँ n था वहाँ क्या करेंगे, m था वहाँ m+1 कर देंगे, तो क्या होगा, 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या आ गया, 1/1 + 2 + डॉट डॉट m+1 बराबर 2 × m+1 / m+1 करेंगे तो क्या होगा, m+2 हो जाएगा। यही मंगाना है आपको, अब एल एच एस को हल करना है, इतना मंगाना है। तो अब एल एच एस लिखेगा, अब एल एच एस बराबर तो क्या है, 1 + 1/1 + 2 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, लास्ट प्रोडक्ट हम लिख देते हैं 1 क्या है, देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे बढ़ते गया, और m प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, m+1 तक है। तो यहाँ m+1 तक दिया गया है, इसके पहले वाले पद लिखेंगे तो m तक आएगा, तो 1 क्या होगा, 1 + 2 डॉट 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 क्या हो गया, m होगा, m तक गया। तो समीकरण 1 में 1 से लेकर यहाँ तक का मान क्या है, निकला हुआ है। समीकरण 1 देख लीजिए, 1 से लेकर यहाँ तक का मान क्या है, 2m/m+1 है, तो हम भी 1 से लेकर यहाँ तक का मान रख देंगे, 2m/m+1 प्लस इसका मान रख दीजिए 1/1 + 2 + 3 डॉट 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 क्या है, m+1 है, 2m/m+1 प्लस। अब क्या है, यह 1, 2, 3 बढ़ते बढ़ते है, यह क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n+1/2, लेकिन n के स्थान पर क्या है, m+1 है, तो क्या होगा, m के स्थान पर क्या होगा, m+1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, / 2, ठीक है। 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n+1/2, ठीक है, सूत्र है n × n+1/2, ठीक है। तो n के स्थान पर n+1 है, तो m+1 × m+1 करेंगे m+2/2, लेकिन 1 होगा, 1 है, तो 1 यहाँ रहेगा। अब देखिए क्या, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ रहेगा क्योंकि 1 दिया है। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 2m/m+1, 2 ऊपर चला गया, 2/m+1 × m+ क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला गया। अब m+1 दोनों में मिल रहा है, 2/m+1 / 2/m+1, तो दोनों में से कॉमन आप निकाल लीजिए, 2/m+1 हमने कॉमन निकाला तो क्या हो गया, m/1 या 1/m+ क्या हो गया, 2 हो गया, 2/m+1, तो
एम प्लस टू, यहाँ एम से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस हो गया वन, इसका फैक्टर कर लेंगे, इसके ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे तो हम यहीं पर लिख देते हैं। तो चलिए पाना पलटते हैं तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, एम प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपका आ गया टू बटा एम प्लस वन इंटू फैक्टर करेंगे तो एम प्लस वन इंटू एम प्लस वन आएगा ठीक है, बटा हो गया एम प्लस टू, इसे कटेगा तो कितना आ गया टू इंटू एम प्लस वन बटा एम प्लस टू, यही क्या है आर एस एस में आपको मंगाना है तो सिद्ध हो गया। तो यही लिखेंगे यहाँ समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, ये भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह समीकरण n के सभी प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा, इसलिए जो दिया गया है सूत्र उसको लिखेंगे वन बटा वन प्लस टू, वन बटा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट, तो वन बटा वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट एन इक्वल टू आ गया आपका कितना टू एन बाई एन प्लस वन, सिद्ध हो गया। अब आपको बनाना है कौन सा ट्वेंटी, बीस नंबर, बीस क्वेश्चन देखिए, बीस इसलिए बनाना है कि बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। दिया है वन प्लस वन बाई वन इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री डॉट 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 वन प्लस वन बाई एन बराबर आपको सिद्ध करना है एन प्लस वन, ठीक है। कोई सवाल भारी नहीं अगर आप ध्यान से बनाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन के लिए रूल्स एक ही हैं, नियम सिर्फ एक ही है, जब एन बराबर वन इनका सम क्या करना है एक रखना है, एक का मतलब एक को पद लीजिए, इसलिए एक पद लेंगे तो वन प्लस वन बाई वन कितना आएगा टू आएगा, और आर एच एस में जाएंगे आप वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन कितना आएगा टू, यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। अतः यह समीकरण एन बराबर वन के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह एन बराबर एन के लिए भी सत्य होगा, जब सत्य होगा तो जहाँ एन था वहाँ एम रख देंगे तो वन प्लस वन बटा वन, वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री, ऐसे ही बढ़ते गया वन प्लस वन बाई एम बराबर क्या हो जाएगा एम प्लस वन, यही आपको सिद्ध करना है। समीकरण इसको क्या करेंगे एक मान लेंगे, ठीक है, लिखिए अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह
एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। इतने के लिए भी सत्य होगा, अर्थात जहाँ एन था वहाँ क्या करना है, एम प्लस वन रखना है। तो रखिए क्या था, पहला था वन प्लस वन बाई वन, वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई थ्री, ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते गया। लास्ट में था कितना है, वन प्लस वन बाई एम, तो एम के स्थान पर क्या होगा, एम प्लस वन हो जाएगा। बराबर एम प्लस वन था तो एम प्लस वन प्लस वन क्या, एम प्लस टू का हो जाएगा, एम प्लस टू हो जाएगा। तो समीकरण क्या करेंगे, इसको मान लेंगे दो, मान लीजिए यानी इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब एलएसएस को हल करेंगे, अब एलएचएस बराबर देखिए, तो एलएचएस जो दिया गया है वन प्लस वन बाई वन दिया है, इंटू वन प्लस वन बाई टू दिया गया है, वन प्लस वन बाई थ्री दिया है, ऐसे ही बढ़ते कि हम लास्ट टर्म को लिखते हैं, लास्ट ये टर्म है वन प्लस वन बाई एम प्लस वन है, ठीक है। देखिए एक है दो है तीन है, एक ही बढ़ रहा है, यहाँ एम प्लस वन है तो पहले क्या आएगा, एम आएगा, यानी आएगा वन प्लस वन बाई एम होगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मान रख देंगे, कितना समीकरण एक में एम प्लस वन है, एम प्लस वन इंटू यहाँ क्या है, वन प्लस वन बाई एम प्लस वन, ठीक है, एक से कर दिए एक से, तो यहाँ एम प्लस वन अपने स्थान पर रहेगा और यहाँ लघुतम हो जाएगा एम प्लस वन, तो एम प्लस वन प्लस वन और एम प्लस वन कट जाएगा, कितना बचा आपका एम प्लस टू, यही ना आर एच एस में है, देख लीजिए आर एच एस नहीं, एम प्लस टू सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो वही भाषा लिखना है, अतः यह समीकरण n बराबर m प्लस वन के लिए भी सत्य है, ठीक है। इसलिए गणितीय आगमन के समय से अतः लिख सकते हैं, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह n के सही प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा। इसलिए जो क्वेश्चन था वो लिख दीजिए, वन प्लस वन बाई वन, वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई थ्री, डॉट डॉट डॉट, वन प्लस वन बाई एन बराबर हो गया एन प्लस वन, प्रूफ हो गया। देखिए ऐसे ही जिससे मैंने 20 बनाया था सेम वैसे ही 21 नंबर है, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इन भगवान रखेंगे तो एक पद हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक प्लस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 22 में हम बनाते हैं, 22 अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। चलिए 22 बनाते हैं, बाईस यह है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर क्या हो गया एन बराबर कॉस एन थीटा जोड़ आई साइन एन थीटा, ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना आपको सिद्ध करना है। लिखिएगा जब एन बराबर वन, इसलिए एलएचएस पर वन रखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल के पावर क्या हो जाएगा वन, जब वन रखिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही हो जाएगा,
आर एच एस, जहाँ इन है वहाँ वन, यहाँ वन रखिए यहाँ वन रखिएगा तो क्या हो गया कॉस थीटा कॉस वन थीटा प्लस क्या हो जाएगा आई साइन वन थीटा, मान गया थीटा आएगा, दोनों बराबर आ गया। यहाँ एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, अतः यह समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है। यह समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है। इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर इन के लिए भी सत्य होगा, तो जहाँ इन था वहाँ इन प्लस वन कर देंगे, एम कर देंगे, इसलिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो गया एम बराबर कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, समीकरण वन हो गया। अब हमें सिद्ध करना होगा, लिखिए अब हमें होगा कि यह समीकरण इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। इसलिए अब देखिए जही है वहाँ एम प्लस वन कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या होगा यहाँ एम प्लस वन आपको मंगाना है बराबर कॉस यहाँ हो जाएगा एम प्लस वन थीटा प्लस आई साइन एम प्लस वन इंटू थीटा, इतना आपको मंगाना है। ठीक है, अब इस एल एच एस को हल करना होगा, इतना मंगाना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब एल एच एस बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो गया एम प्लस वन इक्वल टू, अब देखिए प्लस वन है इसको दूसरा कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो गया एम गुना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो गया वन। अब यहाँ इसका मान दिया हुआ है समीकरण एक में पावर एम होगा तो क्या कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा है, तो इसका मान हम रख देंगे कॉस एम थीटा प्लस आई साइन क्या हो गया एम थीटा हो गया इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, और इसको गुणा कर लीजिए यहाँ लिख दीजिएगा एक से, ऐसा कैसे हुआ है क्योंकि एक से मैंने मान रख लिया है। अब गुना करें कॉस से, तो कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस क्या हो गया एम थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इसे गुना किए आई साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बाद साइन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एम थीटा इंटू आई साइन थीटा, ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या होगा आई स्क्वायर साइन एम थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू देखिए इसको इसको आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस वन हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू होता है याद रखिए माइनस वन, यहाँ हम लिख देते हैं चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन, तो इस तो यहाँ से आई खत्म हो जाएगा, तो इसको इसको एक साथ रखिए कॉस एम थीटा इंटू कॉस माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा एक साथ कर दिए, इसमें इसमें आई है देखिए यहाँ आई है यहाँ आई है, तो आई कॉमन के रूप में आ गया
क्या आ गया, साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एम थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखिए कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो क्या हो गया कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी ए के आसन पे क्या होगा एम थीटा, बी के आसन पे क्या होगा थीटा हो गया प्लस आई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी, साइन एम थीटा प्लस क्या हो गया थीटा। कॉस एम प्लस वन होगा एम प्लस वन इंटू थीटा प्लस आई साइन एम प्लस वन इंटू क्या हो गया थीटा। यही सिद्ध करना था आरएचएस में, आपको यही मंगाना था जो कि सिद्ध हो गया। यहाँ आरएचएस में क्या था, यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। और भाषा लिखना होगा, अतः समीकरण n बराबर m प्लस वन, ठीक है, के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के स्थान से गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके सही प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा, इसलिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर क्या हो गया एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन क्या आ गया एन थीटा हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए 23 बनाते हैं, देखिए दिया कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फोर थीटा बढ़ते गया साइन टू के पावर इंटू थीटा टू के पावर साइन थीटा दिया गया, ठीक है, दिया कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा डॉट 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 कॉस टू के पावर इन माइनस वन इंटू थीटा बराबर साइन टू के पावर एन थीटा बटा हो गया टू के पावर एन इंटू साइन थीटा, ये आपको मंगाना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, वन पढ़ लेंगे जब एन बराबर वन, इसलिए एल एच एस बराबर एक पद क्या होगा कॉस थीटा होगा। जब आर एच एस में जाएंगे तो इन के आसन क्या रखेंगे वन रखेंगे, तो क्या साइन टू के पर वन इंटू थीटा बटा टू के पर वन इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है, यानी मतलब आ गया आपका साइन टू थीटा बटा आ गया टू साइन थीटा, ठीक है। अब यह साइन टू क्या होगा टू साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा बटा टू साइन थीटा, इससे ये कटेगा तो क्या आ गया आपका कॉस थीटा आ गया, यानी एल एच एस सारे चीज़ का हो गया बराबर आ गया। यहाँ एल एच एस बराबर क्या आ गया आपका आर एच एस, और तो यह जो समीकरण है इन भगवान के लिए सत्य है, तो यह समीकरण इन भगवान के लिए सत्य है। इसलिए मान लिया कि यह n बराबर m के लिए भी
शुद्ध होगा। तो इन कैसे नहीं रखेंगे, इसलिए कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा इंटू कॉस टू के पावर ई माइनस वन इंटू क्या हो गया थीटा इक्वल टू साइन टू के पावर एम थीटा बटा टू के पावर एम इंटू साइन थीटा। इतना आगे इसे समीकरण एक मान लेंगे। लिखिए अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी, तो जहाँ एन है वहाँ एम प्लस वन कर देंगे, तो यहाँ एम प्लस वन कीजिएगा तो क्या होगा एम हो जाएगा, यहाँ यहाँ एम प्लस वन आ जाएगा। अर्थात जहाँ एन था वहाँ एम प्लस वन हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा ये बढ़ते गया, कॉस टू के पावर एम हो जाएगा, ठीक है, टू के पावर एम थीटा बराबर साइन टू के पावर एम प्लस वन थीटा बटा टू के पावर एम प्लस वन इंटू साइन थीटा। इतना आपको मंगाना होगा। तो एल एच एस हल करके इसको हल करना होगा, ये आपको मंगाना होगा। तो अब एल एच एस बराबर एल एच एस क्या है, कॉस थीटा है इंटू कॉस टू थीटा है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते गया, लास्ट में क्या है कॉस टू के पावर एम इंटू थीटा। अगर पहले आते हैं एम के पहले, तो एक कम हो जाएगा, कॉस टू के पावर ए माइनस वन इंटू क्या हो गया थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ टू के पावर ए माइनस वन का मान निकला हुआ है, समीकरण एक जहाँ माने थे वहाँ निकला था, उसका मान कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है, दिया गया साइन टू के पावर एम दिया है इंटू थीटा बटा टू के पावर एम इंटू साइन थीटा, अगुना क्या है कॉस टू के पावर एम इंटू थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ लाते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर भी दो से नीचे भी दो से गुना करते हैं, मैंने दो से गुना करते हैं ऊपर भी, और जैसे कि तैसे छाप दिए साइन टू के पावर एम थीटा इंटू कॉस टू के पावर एम थीटा बटा टू से गुना किए थे टू के पावर एम इंटू क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए टू साइन ए इस सभी के स्थान पर है इंटू कॉस है, टू साइन इंटू कॉस है साइन टू ए होता है, साइन टू ए टू इंटू ए के स्थान पर इतना आ गया टू के पावर एम थीटा, ठीक है, बटा या दो के पावर वन है दो के पावर एम है तो क्या होगा दो के पावर एम प्लस वन होगा इंटू क्या हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर भी दो के पावर वन जुड़ जाएगा तो कितना आएगा साइन टू के पावर एम प्लस वन इंटू थीटा बटा टू के पावर एम प्लस वन इंटू साइन थीटा। यही आर एच एस में आपको मंगाना था जो कि सिद्ध हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। और तो यह समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी क्या हो गया सत्य हो गया। नीचे लिखिए अतः यह समीकरण अतः यह समीकरण एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, सत्य है होगा नहीं हाय कीजिए। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह समीकरण इनके प्रत्येक प्रकृत मानों के लिए
शब्द होगा, तो जो क्वेश्चन था उसको आप लिख दीजिए। क्वेश्चन था आपका कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा कॉस फोर थीटा, ऐसे ही बढ़ते गया टू के पावर ए माइनस वन इंटू थीटा बराबर बराबर दिया है साइन टू के पावर एन थीटा अब बटा इंटू साइन थीटा, यही सेट करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया से बनाना होगा, ध्यान से बनाना होगा, अन्यथा परेशान हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, काफ़ी बराबर दिख रहा है इधर का जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग तो है लेकिन अच्छे से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। ट्वेंटी फोर साइन अल्फा साइन टू अल्फा साइन इन अल्फा बराबर आ गया, जो सीज करने वाला है साइन इन अल्फा बाय टू बटा साइन अल्फा बाई क्या हो गया टू इंटू साइन इन प्लस वन बाई टू इंटू क्या हो गया अल्फा, इतना आपको मांगना है। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं, जब इन बराबर वन इसलिए एच एस माने क्या हो गया एक पद, तो क्या हो गया एक पद साइन अल्फा है और आर एच एस क्या हो जाएगा इनके समान रखेंगे तो क्या होगा साइन वन अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन वन प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, ये तो कट जाएगा तो एक एक दो बाई दो से दो कटेगा तो क्या बचेगा साइन अल्फा नहीं बचेगा, तो एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया, यहाँ एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस, अतः यहाँ समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है, यह समीकरण इन बराबर वन के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा, जहाँ इन था वहाँ क्या करेंगे एम लिखेंगे, इसलिए क्या होगा साइन अल्फा साइन टू अल्फा डॉट 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 साइन एम अल्फा बराबर कितना साइन एम अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन क्या होगा आपका एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, अब देख लीजिए। अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात साइन अल्फा साइन टू अल्फा बढ़ते गया साइन एम प्लस वन अल्फा, ठीक है बराबर जहाँ एम है वहाँ एम प्लस वन हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका साइन एम प्लस वन अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू, जब यहाँ एम प्लस वन रखिएगा तो एम प्लस टू हो जाएगा, तो गुना में आ गया साइन एम प्लस टू बाई टू अल्फा रहेगा, इतना मंगाना है। अब एल एच एस को हल करके आर एच एस मंगाना है, अब एल एच एस बराबर, ठीक है
देखिए अभी रेसिस क्या दिया है, अब साइन अल्फा दिया है, साइन टू अल्फा ए बढ़ते गया, लास्ट में क्या है आपका साइन एम प्लस वन इंटू अल्फा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एम प्लस वन इंटू अल्फा है तो नीचे इधर आएंगे इसके पहले वाला साइन अल्फा एम अल्फा होगा, यहाँ हम लिख देंगे साइन एम अल्फा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान समीकरण एक में निकला हुआ है, तो इसका मान निकला है साइन मान लेते हैं एम अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, आप प्लस इसको रख दीजिए साइन एम प्लस वन इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, देखिए साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा है, इसको फॉर्मूला पर लागू करते हैं, यहाँ सूत्र पर लागू करेंगे तो साइन थीटा याद कीजिए टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा, इसको जैन तक छोड़ दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, जैसे कि तैसे छापेंगे साइन एम अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू, इसको कोई परिवर्तन नहीं, इसको छोड़ दीजिए, एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, और साइन थीटा होगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होगा टू साइन थीटा बाई टू यानी एम प्लस वन बाई टू इंटू कॉस, कॉस क्या हो जाएगा एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, यहाँ पर साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, यह जो होगा यह कॉमन आपका निकल जाएगा, यह दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, ये तो अपने स्थान पर रह जाएगा, ठीक है, और टू कॉस एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा यह अपने स्थान पर रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी में से कॉमन निकालिए। तो देखिए जैसे हमने कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ, आपको निकालना है साइन एम प्लस वन बाई टू, साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, कॉमन हमने निकाल लिया तो बच गया साइन एम अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू, जो कॉमन निकल गया है तो इधर बचा टू कॉस एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, इतना बचा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, इसको मैंने जंक्शन लिख दिया। अब यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ एल सी एम लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया साइन एम अल्फा बाई टू प्लस टू कॉस एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। फिर आगे बढ़िए इसको साइन एम दिया है, जो दिया है साइन एम अल्फा बाई टू, इसको छोड़ दिए और टू कॉस इंटू साइन ए, फॉर्मूला याद कीजिए टू कॉस ए इसको मान लीजिए इंटू साइन ए, या टू साइन ए इंटू कॉस ए कोई फॉर्मूला लागू करेंगे आ जाएगा। देखिए साइन पहले कर देंगे या कॉस बाद में, दूसरा क्वेश्चन टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो हम साइन के रूप में साइन पहले रखेंगे ए के स्थान पर, इसको रखिए टू साइन ए इंटू कॉस ए बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ तो नहीं अट रहा है, लेकिन साइन ए प्लस बी, ए का स्थान अल्फा टू बी का स्थान इतना है, ठीक है, तो अल्फा ए प्लस बी, बी का स्थान पर एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पर अल्फा बाई टू रखना है और बी के स्थान पर एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा रखना है, ठीक है, ए माइनस बी, इसके बटा में है आपका साइन अल्फा बाई टू, बहुत सावधानी से आपको लिखना होगा, छोटा छोटा लिखेंगे तो बटेगा,
एम प्लस वन बाई टू इंटू क्या हो गया अल्फा गुना। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम एम से अल्फा से अंदर गुना करते हैं, यहाँ पर भी गुना कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहता है। एक लाइन बराबर होगा एम अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू जोड़ एम अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू प्लस यहाँ देखिए साइन अल्फा बाई टू माइनस एम अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू और इसके बटा में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सब के बटा में क्या है साइन अल्फा बाई टू, तो ये तो कट जाएगा, इससे ये आपका कट गया। कटने के बाद देखिए ये अल्फा और अल्फा मिलेगा तो टू अल्फा बाई टू यानी केवल अल्फा बचेगा तो साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, ठीक है, और यहाँ बचेगा साइन एम अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा टू अल्फा हो जाएगा, ठीक है, टू अल्फा बाई टू करेंगे तो आपका आ जाएगा एम प्लस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे एम प्लस टू अल्फा रहेगा, अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, टू इंटू अल्फा बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा साइन एम थीटा बाई टू है ना यहाँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अभी जो हम कुछ देर इसको लिखते हैं प्लस में साइन माइनस एम अल्फा बाई क्या हो गया टू, अब बटा में है इसके साइन अल्फा बाई टू और देखिए यह माइनस जो है यह माइनस में है, अब ध्यान से देखिए और ये प्लस में तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा जो बचा उसको लिखते हैं, जो बच गया उसको लिखे तो इसको यहाँ हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं इसको यहाँ पे और इसको स्वतंत्र छोड़ते हैं। देखिए आपका कितना आ गया साइन एम प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, अब बटा आ गया क्या साइन अल्फा बाई टू इंटू आ गया साइन एम प्लस टू बाई टू इंटू अल्फा, यही सिद्ध करना था आरएसएस में, यही आपको मंगाना है आरएसएस में, प्रूव हो गया तो लिखिएगा। अतः समीकरण इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से पाते हैं कि यह एन के सभी प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा, एन के सभी प्रकृत मानों के लिए सत्य होगा, सत्य होगा जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। इसलिए जो क्वेश्चन क्या था साइन अल्फा प्लस साइन टू अल्फा टू अल्फा प्लस डॉट 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 गया साइन अल्फा इन अल्फा इक्वल टू इन अल्फा बाई टू बटा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन इन प्लस वन बाई टू इंटू अल्फा, प्रूव हो गया। चलिए 25 बनाते हैं क्वेश्चन 25। पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा तो होगा, नहीं ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री पाई टू पाई बाई थ्री इससे बढ़ते गया है टू साइन इन पाई बाई सिक्स इंटू साइन इन प्लस वन बाई सिक्स आपको सिद्ध करना है, ठीक है।
चलिए इसको बनाते हैं। पाई बाय 3 है, प्लस साइन 2π/3 है, प्लस डॉट 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 है, n π/3 टू n π/6 इंटू साइन n+1/6π। पाई कर देंगे, इतना आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे जब इन बराबर 1, ठीक है। इसलिए LHS 1 पद क्या होगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 3 आएगा, और RHS क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ इन है वहाँ 1 रखिएगा, तो क्या होगा 2 साइन 1π/6 इंटू साइन 1+1/6 इंटू पाई। टू साइन पाई बाई 6 इंटू क्या हो गया, साइन 2/6 हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ हम इसका मान भी रख सकते थे, अच्छा रहता, यहाँ इसका मान रख लेंगे LHS में। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, साइन 60 हुआ। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 हो गया, तो 2 साइन या 30 हो गया, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये √3/2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 3 आएगा, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, √3/2 आ गया। तो LHS बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। अतः यह जो समीकरण है इन भगवान के लिए सत्य है, अतः यह समीकरण इन भगवान के लिए सत्य है, इसलिए मान लिया कि यह इन बराबर इन के लिए भी सत्य होगा, जहाँ इन था वहाँ इम कर देंगे, इसलिए साइन पाई बाई 3 साइन 2π/3 इंटू साइन m π/3 इक्वल टू 2 साइन m π/6 इंटू साइन m+1/6 इंटू क्या होता है पाई। इतना आपको मंगाना है, इतना यानी समीकरण m के लिए सत्य होगा, इतना होगा। अब हमें सिद्ध करना होगा, लिखा जाएगा, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह इन बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा। तो जहाँ इन है वहाँ m+1 डालिए, देखिए, इसलिए तो अर्थात लिख दीजिए, अच्छा बढ़िया रहेगा। तब कहा गया, ध्यान से देखेंगे, साइन π/3 2π/3 बढ़ते गया, प्लस साइन m+1 इंटू π/3 बराबर 2 साइन m के स्थान पर क्या हो गया, m+1, यहीं पर रखना m+1, तो m+1/6 इंटू पाई, आइए हो जाएगा m+2/6 इंटू पाई, m+2/6 इंटू पाई साइन रहेगा,
जितना मंगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, LHS को आपको हल करना होगा और RHS मंगाना होगा। चलिए अब हल करते हैं। अब LHS बराबर, तो LHS आपका क्या था, LHS आपका था साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन टू पाई बाई थ्री प्लस डॉट, लास्ट वाला टर्म हम लिखेंगे, लास्ट वाला था आपका साइन एम प्लस वन पाई बाई क्या हो गया थ्री, ठीक है। अब यहाँ एम प्लस वन है, इसके पहले वाले क्या होगा, एम पाई बाई थ्री हो जाएगा, साइन एम पाई बाई क्या हो गया थ्री। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान समीकरण एक में आपका दिया हुआ है, समीकरण एक में क्या दिया, टू साइन एम पाई बाई सिक्स इन टू साइन एम प्लस वन पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिए, साइन एम प्लस वन पाई बाई थ्री, सबके बटा थ्री नहीं, इसके थ्री है, चलिए उतना समझ जाइएगा। और साइन थीटा, ये सब थीटा के आसन में, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होता है, तो टू साइन क्या हो गया एम पाई बाई सिक्स इंटू कॉस एम प्लस इंटू साइन है सॉरी एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई, और साइन थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, इसका बटा टू करेंगे तो एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू कॉस एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई, ठीक है। अब इतना जो है यहाँ पे देखिए है सेम, कॉमन निकाल लीजिए, टू साइन एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई, मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो क्या हो गया साइन एम पाई बाई सिक्स हो गया इंटू कॉस क्या हो गया एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, टू साइन अपने स्थान पर रहेगा एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई, इसको छोड़ दीजिए, इस साइन को छोड़िए, कॉस को भी साइन में बदल दीजिए, एम पाई बाई सिक्स इसको साइन बदलेंगे तो नौ में स्क्वायर करेंगे ना, पाई बाई टू माइनस कर देंगे, पाई से गुना कर दीजिए, एम पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस के, साइन कॉस को साइन में बदल दिए तो नब्बे माइनस थीटा क्या समझिए जो है सबको माइनस में कर दिए, इसको कोस्ट में ही रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए आप ध्यान से देखिए नहीं तो फंस जाइएगा, एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू पाई साइन एम पाई बाई सिक्स प्लस साइन पाई बाई टू, नौ में से तीस घटेगा साठ हो जाएगा, पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस एम पाई बाई क्या हो गया सिक्स हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लागू होगा साइन सी आप प्लस इसको मानिए साइन डी, तो याद कीजिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, उसी पर इसको बैठाइए, साइन सी प्लस साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इतना प्लस इतना बाई टू होगा, एम पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एम पाई बाई सिक्स, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इतना माइनस इतना बाई टू होगा, तो हो गया आपका इतना माइनस इतना करेंगे। अब देखिए यहाँ अटने वाला नहीं है तो इतना माइनस करेंगे तो यह माइनस हो गया प्लस में जाएगा, तो जोड़ देंगे एम पाई बाई सिक्स एम पाई बाई सिक्स, टू एम पाई बाई सिक्स हो जाएगा, अब माइनस पाई बाई क्या हो गया थ्री हो गया, देखिए टू साइन सी प्लस डी इतना प्लस इतना बाई टू इंटू कॉस सी माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो यह माइनस हो गया ये प्लस मिल जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, थोड़ा सा नहीं हटने की वजह से मैंने लिखे बटा टू होगा एगो बटा टू। अब देखें टू साइन एम प्लस वन बाई टू एम बाई सिक्स इंटू पाई इंटू साइन हो गया पाई बाई थ्री तो पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई बाई थ्री बटा टू तो पाई बाई सिक्स हो गया, इंटू कॉस देखिए क्या कट जाएगा तीन से तो एम पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री और सबके बटा तीन है दो है तो क्या करेंगे छः हो जाएगा, ये भी क्या होगा छः हो जाएगा, पूरा एकदम ध्यान से इसको आपको देखना है कौन कितना हो जा रहा है, तो कितना आ गया आपका कॉस एम पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स आ गया। अब ऐसा करते हैं ये जो कॉस है इसमें से हम क्या करते हैं थोड़ा सा दो को इधर भी कर सकते हैं, चलिए रहने दीजिए इसे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, टू साइन एम प्लस वन बाई सिक्स इंटू टू
साइन 30 का मान होता है 1/2 हो गया, इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा। पाई बाई 6 पहले आ जाएगा और एम पाई बाई 6 बाद में चला जाएगा। अब याद कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। एम प्लस 1/6 इंटू पाई हो गया, पाई इसमें है। अब देखिए यहाँ कॉस को साइन में बदलना है, ये माइनस तो चला जाएगा, इन कॉस को पहले एक बार और लिखते हैं, एम पाई बाई 6 कॉस को साइन में बदलेंगे तो 9 माइनस थीटा हो जाएगा, 2 साइन एम प्लस 1/6 पाई इंटू साइन हो गया, इंटू क्या होगा साइन 9 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पर सब आएगा, पाई बाई 6 अब माइनस माइनस प्लस जाएगा एम पाई बाई 6। अब पाई बाई 2 में से 90 में से पाई बाई 6 30 कटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 9 से 30 कटाएंगे 60 तो पाई बाई 3 प्लस एम पाई बाई 6 हो जाएगा। जो बचा उसको लिखेंगे, आपका बच गया 2 साइन एम प्लस 1 बाई 6 इंटू पाई इंटू साइन बचा पाई बाई 3 प्लस बच जाएगा, पाई बाई 3 प्लस बचेगा एम पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 साइन एम प्लस 1 बाई 6 इंटू पाई इंटू साइन, 6 लघुत्तम लेंगे तो 2 पाई प्लस एम पाई, पाई कॉमन हो जाएगा, 2 साइन एम प्लस 1 बाई 6 इंटू पाई इंटू साइन एम प्लस 2 बाई 6 इंटू पाई, यही सिद्ध करना था, इक्वल टू क्या हो गया एडजस्ट रूट हो गया। तो आप लिखिए, जो भाषा लिखना है लिख दीजिए, तो उतना आप कर लीजिए, कम से कम उतना तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप अगर ध्यान से तो क्वेश्चन यहाँ आपका जो दिया है 26, ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन 26 है यही क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, आपको बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सेम वही क्वेश्चन दिया, खाली यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है और उसमें 26 में माइनस दिया है। तो आप 26 क्या करेंगे, 22 की तरह बनाएंगे। 27 कुछ नए डिजाइन का क्वेश्चन दिख रहा है तो हम क्या करते हैं 27 बनाते हैं, चलिए 27 बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 दिया है, 27 तो कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1+i के पावर एन इक्वल टू 2 के पावर n/2 कॉस एन पाई बाई 4 प्लस आई साइन दिया गया है, आई साइन एन पाई बाई 4 दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, 1+i पावर एन 2 के पावर n/2 दिया है, कॉस n/4 आई साइन एन पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। देखिए जब n बराबर 1 इसलिए एल एच एस इक्वल टू 1+i के पावर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1+i होगा, और आर एस का होगा 2 के पावर 1/2 कॉस 1π/4 आई साइन 1π/4, 1π माने क्या 45 हो जाएगा, पाई बाई 4 तो 2 के पावर 1/2 कॉस 45 का मान 1/2 होता है, आई साइन 45 का मान भी 1/2 होगा, रूट 2 रखना है, रूट 2 से या क्या होगा, या 2 के पावर 1/2 का मतलब रूट 2 हो गया, ठीक है। 1/2 का मान ले लीजिए तो 1+ क्या हो जाएगा आई इकट्ठेगा तो कितना आ गया 1+i आया, यानी एल एच एस आर एच एस बराबर आ गया है ना, तो लिखिएगा यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, अतः यह समीकरण इन बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। इसलिए मान लिया कि यह समीकरण इन बराबर एम के लिए भी सत्य होगा, तो रखिए 1+i के पावर क्या होगा एम इक्वल टू 2 के पावर m/2 कॉस एम पाई बाई 4
आई साइन इन पाई वेब, भाई क्या हो गया, फोर हो गया। अब हमें सीध कर लिखे इस समीकरण एक, मान लीजिए लिखे, अब हमें सिद्ध करना होगा कि यह समीकरण n बराबर n प्लस वन के लिए भी सत्य होगा, अर्थात वन प्लस आई के पावर एम प्लस वन बराबर टू के पावर एम प्लस वन बाई टू इंटू कॉस एम प्लस वन बाई फोर इंटू पाई आई साइन एम प्लस वन बाई फोर इंटू पाई। ठीक है, अब एल एच एस को हल करके क्या करना होगा, आपको आर एच एस मंगाना होगा। ठीक है, अब एल एच एस वन प्लस आई के पावर एम प्लस वन, तो क्या होगा वन प्लस आई के पावर एम गुना वन प्लस आई, तो वन प्लस आई के पावर एम का मान रखिए क्या था, दू के पावर एम बाई टू, ठीक है, इंटू साइन एम पाई बाई टू एम पाई बाई फोर न है, कॉस एम बाई एम पाई बाई फोर है, प्लस आई साइन एम पाई बाई फोर, ठीक है, इंटू वन प्लस क्या है, आई है पावर इसका वन है, जब पावर वन होगा तो उसका भी मान रखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, दू के पावर एम बाई टू कॉस एम पाई बाई फोर आई साइन एम पाई बाई फोर। ठीक है, अब वन प्लस आई का मान रखेंगे, देखिए वन प्लस आई का मान कितना होगा, आप ध्यान से देखिएगा, यही आपको समझना होगा। देखिए वन प्लस आई के पावर क्या है, एन है, एन है तो क्या होगा, दू के पावर एन बाई टू इंटू कॉस एन बाई पाई एन पाई बाई फोर प्लस आई साइन एन पाई बाई फोर है, जब यहाँ वन रखे थे तो यहाँ पर भी क्या वन बाई टू आया, यहाँ वन पाई बाई फोर और साइन वन पाई बाई फोर आया था, तो यहाँ वन रख लेंगे, ये ना वन दिया वन प्लस आई, वन प्लस आई यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मान रखेंगे दू के पावर एक पर दो इंटू हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर आई साइन पाई बाई फोर हो जाएगा। अब देखिए दो के पावर यहाँ क्या है एम बाई टू, यहाँ दो के पावर एक बार दोनों क्या हो गुना होगा, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, दो के पावर एम प्लस वन बाई टू हो गया, इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कॉस दे कॉस एम पाई बाई फोर इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस एम पाई बाई फोर इंटू आई साइन पाई बाई फोर एम पाई बाई फोर, अब इसे गुना करेंगे इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई स्क्वायर इंटू एम पाई बाई फोर इंटू साइन पाई बाई फोर हो गया, इसको कोष्ट में डाल दीजिए। अब इस कॉस और साइन, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना ही पहले आ जाएगा, दू के पावर एम प्लस वन बाई टू तो कॉस इंटू कॉस बी अब माइनस हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी तो एम पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, देखिए यहाँ से आई आई कॉमन होगा, ठीक है कॉमन होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी ही होगा, एम पाई बाई फोर प्लस क्या होगा पाई बाई फोर हो जाएगा, एक कोष्ट में इसको डालिए तो हो गया दो के पावर एम प्लस वन बाई टू कॉस, देखिए एम प्लस वन बाई फोर इंटू पाई आई यहाँ था आई साइन एम प्लस वन बाई फोर इंटू पाई हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, यही मांगा था, अतः सिद्ध हो गया। यह भाषा लिख 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 देंगे यहाँ
समीकरण इन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम पाते हैं कि यह इनके प्रतीक प्रकृत मानों के लिए सत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को लिख देंगे। इसलिए वन प्लस आई के पावर एन इक्वल टू टू के पावर एन बाई टू इंटू कॉस एन पाई बाई फोर एन पाई बाई फोर सिद्ध हो गया। ऐसे 28 है 29 है। देखिए 28 तो काफ़ी सिंपल है, 28 में कोई सेंट नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आज 27 तक पूरा कीजिए, 27 करके मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।